हे एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो लेक्चर। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया सो मेल पर्सनालिटी की। सो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली आपके स्टैटिक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, और जो भी इंपॉर्टेंट मेल पर्सनालिटी जो फर्स्ट इन इंडिया मतलब डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे या डिफरेंट पोस्ट पे जो फर्स्ट मतलब नंबर पे पहले जिन्होंने जो डेजिग्नेट हुए आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपिटेटिव एग्जाम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, तो हु वाज दैट? दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड नंबर की बात करें नेशनल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दैट वाज WC बनर्जी। फोर्थ नंबर पे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हु वाज दैट? दैट वाज बदरुद्दीन त्यागी। डियर, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सिंगल वर्ड्स हैं, इतनी ज़्यादा क्यों नीड है इनको लर्न करने की या मतलब इनको पढ़ने की। एक्चुअली सिंपली मैं बताऊं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता भी नहीं चलेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। इवन जब नेक्स्ट मैं प्रोसीड करता हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इधर डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम वेंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपको पॉलिटी में भी जिसमें रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 वहाँ पे आ जाता है, ये वहाँ पे भी कवर होता है। उसके बाद हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया, तो दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। डियर, ये कुछ नाम्स ऐसे हैं, जैसे ये मैंने ये तीन नाम आपको बताए, लॉर्ड विलियम वेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ जो क्वेश्चंस आप लोग देखते हो ना, बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन द लेक्चर। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चंस यहीं से निकल के आ जाते हैं सामने। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट इन इंडिया तो ही जाके क्वेश्चन मैं आपको ऐसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको जवाब देना है। एक्चुअली इन्हीं चीज़ों को पढ़ा होगा, इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखा होगा, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन घुमा के आए आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो नाइन्थ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज दैट वाज सी राजा गोपालाचार्य जी। टेंथ नंबर की हम बात करें तो टेंथ नंबर पे आ जाते हैं आपके फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो दैट वाज जेम्स हिकी। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस। एक्चुअली आईसीएस उस टाइम पे होते थे और आज के टाइम पे आईएएस होते हैं। ठीक है, मतलब आज के टाइम के जो आईएएस है, आईएएस हो पोस्ट है, जो पर्सन्स होते हैं, जो एक डेजिग्नेशन है, उस टाइम पे आईसीएस होते थे। तो यहाँ पे बताया कि कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आईसीएस ज्वाइन किया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ नंबर पे बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट मैन इन स्पेस, तो राकेश शर्मा, ये सबको पता है। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म, तो वो थे मोरारजी देसाई। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, दैट वाज जनरल कैरीपा। उसके बाद 15th नंबर की बात करें तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो दैट वाज जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, बेसिकली नाम होता है वो ऐसे अपने लगाते हैं। तो नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तो वो थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। 17th की बात करें तो फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी। 18th की बात करें फर्स्ट इंडियन एयर चीफ, तो वो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो SP सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये उसके बाद आता है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, तो वो कौन था? डॉक्टर हुसैन। ओके, तो ये जो SP सिन्हा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। उसके बाद 21st नंबर की बात करें तो वो है फर्स्ट PM ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, तो दैट वाज चरण सिंह। उसके बाद 22 फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, वो थे SPFJ मनीष कौर।
ओके सो 22 की बात करें तो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया दैट वाज SPFJ मनीक शाह. ओके मनीक शाह. ओके सॉरी 20 ओके सॉरी 22nd की बात करें तो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे? SPFJ मानिक शाह. 23rd की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. और किस में था? लिटरेचर में, इन 1930 में. 24th की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स तो दैट वॉज सीवी रमन इन 1930. उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन तो वो थे हरगोविंद खुराना जी इन 1968. और उसके बाद 26 की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल पीस प्राइज वो थे मदर टेरेसा 1979 में. और 27 की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स तो ये था अमृता सेन. और 28 की बात करें फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र राधा कृष्णन. 29 में आ जाता है आपका फर्स्ट इंडिया टू क्रॉस इंग्लिश चैनल तो वो थे महीर सेन. और नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू रिसीव जनपथ अवार्ड वो थे श्री शंकर कुरूप. ओके सो गाइज ये थे वो मेन पर्सनैलिटीज जो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फर्स्टली डेजिग्नेट हुए थे सबसे सुप्रीम पोस्ट के ऊपर. सो ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है. एक्चुअली क्वेश्चंस यहीं से घुमा फिरा के आते हैं. जैसे फिजिक्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो ये पूछा जा सकता है. और इवन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स मैंने देखे हुए हैं यहाँ पे इनका जिक्र हुआ है इनके बारे में बताया जाता है. तो इसके साथ ही मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको न्यू पता लगी होंगी. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट कल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल पर्सनैलिटीज की. फर्स्ट एंड फीमेल पर्सनैलिटी. ओके आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट. और इसको अगर आप 2-3 बारी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा सारा. ओके सो साइनिंग ऑफ जिससे सतीश साइनिंग ऑफ बाय.